वेल हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। यार गाइस आज मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ बरा रोई सकीना यहाँ बाय नदीम सरवर। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आज बीबी सकीना सलाम उल्लाह अलैहा की शहादत है, एंड कुछ लोग कह रहे थे कि 13 सफ़र को है, तो बेसिकली आज 10th सफ़र है, 10th सफ़र है, कुछ लोग कह रहे थे 13th सफ़र को है, तो मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया कि आज है या फिर 13 को है या फिर किसी और दिन है। दसवां मैंने सर्च किया थोड़ा बहुत इंटरनेट पे, तो मुझे देखने को मिला कि 10th सफ़र के आगे में वफात ऑफ बीबी सकीना ऐसा लिखा हुआ था। सो आई थिंक मुझे लग रहा है आज के दिन ही उनका वफात है। वफात यानी वही होता है ना, शहादत को ही कहते हैं ना, तो आई थिंक आज के दिन ही होना चाहिए 10th सफ़र। एंड यस, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मंडे का दिन है आज, 28 सितंबर, एंड उनके हिसाब से क्या कहते हैं, मुझे उतना याद तो नहीं आ रहा, अवाम ऐसे कुछ कहा जाता है जहाँ तक। एंड यस 1442 अपने हिसाब से 2020। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो बिना देरी के स्टार्ट करें। हाँ ये है शहर शाम, 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 छोटी शहजादी का है यहीं पर कयाम, आज रोजे पे है रोशनी सुबह शाम, पुरसादारों का है मातमी अजदहां, फट रहा है जिगर सोचता हूँ अगर कैसा तारीख था, कैसा वीरान था, yes, yes. कैसा वीरान था, कल ये जिंदान था, बड़ा रोई सकीना यहाँ। जब कैद कर लिया तब की स्टोरी है, आई थिंक यस। इतनी वहशत के एक पल ना गुजरे जहां, चीखती हो जहां सिर्फ तन्हाइयां, रोना कासिस कियों पर भी पाबंदियां, रस्सियों बेड़ियों तौक के दरमियां, सकीना यहाँ, शहर शाम, सर खुले खाक पर गमजदा बीबियाँ, उसमें कासिम की अकबर की असगर की माँ गुजड़ी हुई खाली थी गोदियाँ, सबकी हिम्मत बंधाती थी ज़ैनब जहाँ, बड़ा रोई सकीना यहाँ, हाँ ये है शहर शाम, हाँ ये है शहर शाम, हाँ इसी शाम के बीच बाजार में बीबियाँ पत्थरों की थी बौछार में, थी बेटियां हर तरफ शाम में जश्न का था समा, बड़ा रोई सकीना यहाँ, बड़ा रोई सकीना यहाँ, ये है शहर शाम, ये है शहर शाम, देख कर बिनते जहरा का यूं सर खुला, नोके नैजा से गाजी का सर गिर गया, हाय गाजी की गैरत का ये इम्तिहान, सर पटकने लगी सारी शहजादियां, बड़ा रोई सकीना यहाँ, बड़ा रोई सकीना यहाँ, ये है शहर शाम, ये है शहर शाम, जब सकीना का निजी में मांगी गई,
ना पदर ना चचा भाई भी ना तावा तोड़ी सज्जाद ने गैज में बेड़िया बड़ा रोई सकीना यहाँ ये है शहर शाम ये है शहर शाम दुख्तरे हिंद बोली सकीना बता कैसे दामन जला क्यों है कुर्ता फटा ओढ़नी तेरे सर की गई है कहाँ खेची किस शकी ने तेरी बालियां बड़ा रोई सकीना यहाँ रोई सकीना यहाँ ये है शहर शाम ये है शहर शाम बोली क्या हाल अपना बताऊं तुझे छोड़ के जब से बाबा गए हैं मुझे मैं यतीम हो गई और क्या हो गया मेरी गर्दन में बांधी गई रस्सियां बड़ा रोई सकीना यहाँ रोई सकीना यहाँ ये है शहर शाम ये है शहर शाम और एक रोज जिंदान रोने लगा जब सकीना को बाबा का सर मिल गया बोली अब आए हो तुम मेरे बाबा जा इतने दिन दूर मुझसे रहे हो कहा बड़ा रोई सकीना यहाँ रोई सकीना यहाँ ये है शहर शाम रोई रेहानो सरवर की आंखें लहू रोजाए शाहजादी पे की गुफ्तगू हाय इस वक्त हम तुम खड़े हैं जहां नूर ही नूर है कल थी तारीकियां बड़ा रोई सकीना यहाँ ये है शहर शाम ये है शहर शाम ये है शहर शाम ये है शहर शाम बड़ा रोई सकीना यहाँ That's it. बीबी सकीना सलाम उल्लाह अलैहा इनकी इनके ऊपर कोई भी नुहा हो बहुत इमोशनल होता है बहुत रियल रियल है इसलिए यार इमोशनल होता है क्योंकि वो वाकई बहुत एक क्या कहते हैं यार हिला देने वाला वाकया है। कभी भी अगर मैं सुनता हूँ उस चीज़ को उस चीज़ के बारे में उस मंजर के बारे में उस पल के बारे में कि जब उन्हें उनके बाबा का सर मिला होगा उस वक्त कैसा लगा होगा यार सिर्फ चार साल की आई थिंक वो चार साल की बीबी सकीना सलाम उल्लाह सिर्फ 4 साल की थी एंड बहुत सिंपल सी बात है यार उतनी सी उम्र में क्या देखा होगा उन्होंने दुनिया में बहुत सिंपल सी बात है सिर्फ एक चीज़ उन्हें पता है माँ बाप का प्यार जो कि छीन लिया गया 4 साल की उम्र में तो बहुत सिंपल सी बात है और किस चीज़ की मांग करेगी वो छोटी सी एक बच्ची किस चीज़ की मांग करेगी बाबा या माँ के अलावा और किस चीज़ की मांग नहीं करेगी बहुत सिंपल सी बात है उन्होंने बाबा को मांगा तो बाबा का सर ही काट के दे दिया गया उन्हें एंड फिर वो पूछती भी है बाबा से आप इतने दिन कहाँ थे इससे पहले मुझसे क्यों नहीं मिल लिया तो फुल उसी चीज़ को एक्सप्लेन करा गया इस नोए के अंदर में उस पल को उस सिचुएशन को जब उन्हें कैद कर लिया जाता है जब उन्हें लाया जाता है उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं उनके परिवार के ऊपर मॉम के ऊपर बहन के ऊपर फुल उसी चीज़ को एक्सप्लेन करा गया इस नोए के अंदर में यस एंड यजीद की नींद हराम हो रही थी इसलिए उन्होंने सर कलम करके उनको ला के दिया एंड यस जब उनने उस मतलब बाबा का सर को देखा कलम किए हुए सर को देखा तो वहीं चीखती चिल्लाती हुई रोती हुई जान निकल गई उनकी वहाँ पे उनकी वहीं पे वफात हो गई शहादत हो गई तो यस बेसिकली दिस नोहा उसी को लेके फुल उसी चीज़ को फुल उस सिचुएशन को फुल उस पल को एक्सप्लेन करा गया एंड बीबी सकीना
के ऊपर कोई भी नोहा हो, मैं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे नोहे करे हैं, एक नहीं किए, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे नोहे पर रिएक्शन करे बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के, एंड स्पेशली बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा या फिर अली असगर अलैहिस्सलाम जो शहजादा अली असगर थे, उनके छोटे जो भाई जिसे कहते हैं छोटे भाई, उनके ऊपर कोई भी नोहा होता है तो बहुत इमोशनल जाता है, बहुत अजीब लगता है मुझे, एंड बहुत बहुत पा देने वाला नोहा होता है, अंदर से हिल जाता है आदमी कोई भी सुनता है तो इस टाइप के वाकिया। तो या ये इतना ही नोहा था, छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं था ये नोहा। सो या दैट्स इट, खत्म करेंगे वीडियो को, मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप तुमको वीडियो पसंद आएंगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ पक्का कर देना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आज के दिन ही उनकी वफ़ात है, शहादत है, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल परफेक्टली, बट इंटरनेट पे कैलेंडर के कैलेंडर में वही दिया हुआ है कि 10 तारीख 28 सितंबर मतलब उस वक्त का 1442 इस वक्त का 2020 को टेंस सफ़र होता है आज के दिन, एंड आज के दिन ही उनकी वफ़ात हुई थी, एंड आज से कह सकते 10 दिन बाद, करीबन 10 दिन बाद 40वां आई थिंक यस, जिसे अरबईन का दिन कहते हैं ना, 14th अरबईन का दिन। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।